बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो निकलने लगे हैं अभी सियालकोट को। तबीयत आज कुछ बेहतर हो गई है, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि शाम को फिर एक ड्रिप जो है लगवानी है, लेकिन मैंने आते ही कनोला जो है उतार दिया, तो शाम को नहीं गए लगवाने। थोड़ी सी तबीयत मुझे महसूस हुई कि ठीक है अभी, तो पानी मैंने जितना हो सकता था वो पिया, तो अभी ठीक है तबीयत थोड़ी सी। तो निकलते हैं अभी। ये जो सूट पहना है मैंने आज, ये बिल्कुल न्यू पहना है। ये ईद पे लिया था हमने, मैंने और जैन भाई ने इकट्ठे लिया था, सिलाई करवाने के लिए दिया था, तो उसके पास टाइम नहीं था, तो हमने ईद वाले दिन फेयर सूट ही पहन लिया। ये अभी नहीं हुआ, ये अभी उसी ने सिलाई किया तो ले के आए हैं, तो आज ये पहन के जा रहे हैं हम लोग। तो निकलते हैं अभी जी। ये रहा बटुआ और ये रहे 7 पैसे, और मैंने अपनी फाइल भी लेनी है जी। फाइल ये है, ये वाली फाइल मेरी है, डॉक्यूमेंट सारे। तो रेडी हो चुके हैं जी डॉक्यूमेंट्स, मैंने क्लियर कर लिए हैं अपने, तो अभी निकलते हैं। फकर भाई को मैं साथ लेके जाऊंगा इस दफ़ा। पिछली दफ़ा तो मैं अकेला ही गया था, तो इस दफ़ा फकर भाई फारग ही हैं, उनको लेके जाऊंगा। तो अभी चलते हैं हम, मेरे ख्याल में वो भी तैयार हो गए होंगे। हमारा ये वाला रोड जो है वो अभी खाली रहता है, ट्रैफिक नहीं होती। जब हम मेन रोड पे चढ़ जाएंगे तो उससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी। उधर से तो हाईवे पे तो गाड़ियाँ दमादम मस्त जलंधर जाती हैं कभी फुल स्पीड से। गर्मी में ठंडा गन्ने का रस पीने का अपने मज़ा है। हम जब भी सियालकोट जाते हैं तो रास्ते से गन्ने का रस जरूर पीते हैं, यानी कि रो जब जाती है ना अंदर तो ठंड डाल देती है एकदम। खुद होकर भाई जबरदस्त है, मज़ा आ गया, दिल को सुकून हो गया। तो आधा सफ़र जो है वो हमने तय कर लिया, तो आधा भी रह गया, जल्दी से चलते हैं। लें जी, आपके भाई का ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ये वाली आँख भी अब हो चुकी है। तो अभी मैं सफर भाई के कमरे में आके बैठ गया हूँ, मैंने कहा इधर आराम से लेट लेता हूँ, अभी 12 बजे वो आएंगे, अभी टाइम तकरीबन 10 हुए हैं, तो 2 घंटे हैं अभी, 2 घंटे के बाद फिर पट्टी उतारेंगे वो, तो फिर चेक करेंगे, अगर गुड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे ही। वैसे वो चेक करते हैं उसके बाद बताते हैं कि आपने दवाई ये लेनी है, ये प्रोसेस कर। तो अल्लाह का शुक्र है, इस आंख में जब ऑपरेशन हो रहा था बहुत दर्द हो रही थी, ये वाली आंख में इतनी दर्द नहीं हुई जितनी इस आंख में हुई है। टेंशन जो है वो ख़त्म हुई, दोनों आंखें जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, काम हो गया। मुझे बहुत टेंशन थी, तो आप सबकी दुआएं हैं और माँ बाप की दुआएँ हैं, तो इस वजह से मैं ये सक्सेसफुल हो सका, कामयाब हो सका, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। 1.5 घंटा आराम करते हैं और भूख भी लग जानी है उस टाइम तक, 12 बज गए तो लग जाएगी भूख, अभी मुझे लगी हुई है लेकिन मैंने खानी नहीं है। ये सब कुछ खुलेगा, पट्टी वगैरह खुलेगी तो बाहर से कहीं खाएंगे कुछ ले के, ठंडा वगैरह पियेंगे, तो अभी फ़िलहाल आराम करते हैं। हाँ जी साहब, फकर भाई भी अभी आ चुके हैं। असल में उस दिन की हमारी जो सिस्टर थी वो भी एडमिट थी इधर,
तो अभी तक वो एडमिट है, उनका थोड़ा सा मसला बना हुआ, तो अभी उधर ही है। फकर भाई उधर गए हुए थे तो अभी आए हैं कमरे में। मैं तो यार रेस्ट कर रहा हूँ, इधर फुल माहौल। चेकअप कब होना है? चेकअप 12 बजे। 12 बजे अभी तकरीबन 10:30 हुए हैं। नहीं 11 हो गए हैं, 11 हो गए, 11 हो गए, 11 हो गए, 1 घंटा। गर्मी बहुत है यार, भूख भी बहुत लग रही है। आपको लगी है भूख? मैं कह तो रहा था आपको कुछ खाना तो ले आता हूँ। तो अगर भूख लगी है तो फिर जाते वक्त खा जाएंगे रस्ते में। तो जी पट्टी हमारी खुल गई है, थोड़ी देर पहले मैंने ड्रिप लगवाई है। मेरी आँख को दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्दन को भी बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप ड्रिप लगवाएं। तो फिर अभी ड्रिप लगवा के आया तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो इधर से मिला भी कुछ नहीं है, एक जूस मिला और बिस्किट मिले हैं। बिरयानी आया थी लेकिन वो ख़त्म हो गई है। तो अभी तो मक्कर भाई मेरे लिए जूस ले गए हैं, तो ये खा लेते हैं, फिर रास्ते में वापसी में खा लेंगे कोई ना कोई। क्या रहा था खाएंगे चलें। मुझे कोई भी होश नहीं थी, जब दर्द हो रही थी कुछ नहीं सोच रहा था कि क्या हो रहा है, किधर को जा रहे हैं, बस ऐसे ही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, दवाई मेडिसिन खाई है, ये गोलियां खाई हैं, तो इससे भी थोड़ा सा आराम हुआ। ये जी अभी चिकन बिरयानी खाने के लिए इधर आए हैं हम लोग, तफक्कर भाई लेके आए हैं। भूख लगी है तफक्कर भाई? लगी है भूख बहुत है। भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी थी। और ये हमारी बिरयानी भी आ चुकी है, ये रही जी, खाएं सर। ये रही जी हमारी बिरयानी मज़े मज़े की, और अभी खाते हैं बिरयानी जो है वो हमने खा ली है। और अभी निकलते हैं वापस घर को। डॉक्टर को मैंने पूछा था खाने पीने का, तो उसने बताया कि जो मर्ज़ी खाएं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए मैंने इधर से बिरयानी खाई है, नहीं तो मैं नहीं खाता ये बिरयानी वाला। घर में आते ही सबसे पहले कतरे जो है वो डालना शुरू किए हैं। तफक्कर अभी कतरे जो है वो डाल रहा है, अभी डाल लिए हैं दोनों आँखों में। ये वाली आँख में एक और अलहदा कतरा जो दिया हुआ है, जो 2 घंटे के बाद डालते जाने डालते जाने। क्या हाल है? हमें पता चला कि ऑपरेशन हुआ था। आपने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं घर आया तो आगे ऑपरेशन हुआ। आपने पूछा ही नहीं कि मामू क्या हाल है आपका। हाँ हुआ? मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है। आपने पूछा ही नहीं, आपने भी नहीं पूछा, आपने भी नहीं पूछा। गले पे? नहीं नहीं आँख पे हुआ। किधर आँख है? ये वाली आँख पे हुआ है, ये वाली दोनों पे। दोनों पे? हाँ आपने पूछा ही नहीं है। मैंने नहीं आपका मामू बनना। आपने यार पूछा ही नहीं चाचू का हाल। हाँ आपने पूछा ही नहीं यार मुझे। हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है, घर में लाइट नहीं है तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तूफान आने लगा है, बिल्कुल तूफान आने लगा है। चलो एंजॉय करो बारिश में, एंजॉय करो। देखें जी आंधी जो कितनी तेज आ गई है, हवा इधर खड़े होना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए घर जाके आराम करते हैं, क्योंकि आंखों में कट्टा धूल मिट्टी सब कुछ जमा हो जाएगा, इसलिए घर चलते हैं टाइम से, ये ना हो काम खराब हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है, लेकिन बारिश नहीं आएगी, सिर्फ आंधी और तूफान ही आया, बाकी बारिश का कोई प्रोग्राम नहीं है और लाइट का आने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है लग रहा है जैसे। ये आगे हमारे ताया जान जा रहे हैं, अभी सैर करने के लिए निकले थे बाहर। देखें जी हवा चल रही है तो जानवर भी कितने मज़े से खड़े हुए हैं, बहुत गर्मी पड़ी है, इनको भी बहुत कह लेंगे गर्मी लगी है। और अभी
फुल मस्ती माहौल में खड़े होके हवा का मज़ा ले रहे हैं। रात होने वाली, अभी शाम हो चुकी है, शाम की अजानें होना शुरू हो गई हैं, तो घर को चलते हैं अभी। वालेकुम सलाम भैया, आपका क्या हाल है? ठीक है बादशाह, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। अब दूसरी आप कैसी है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक बन गया। आज से जो वो कल से समीला व्लॉग बनाया करेगा मेरा, बना लोगे समीला? बना लूंगा, आप दोगे तो मैं बना लूंगा। आपकी उर्दू भी नहीं ठीक, तो आपने कैसे बनाना है? मैं वीडियो बना लूंगा, आप मुझे बस मुझे मोबाइल दे दो। मोबाइल दे देंगे सर आपको, आपने वीडियो शूट करनी है, ठीक है? मोबाइल के सामने मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं आप अपने आप बना लूंगा। अपने आप बना लोगे अकेले? एक मिनट, अकेले वीडियो सामने शर्म आती है तो क्या हमारा देखने को बज रहा है ना? और कितने बज रहा है? और तो फिर आपने आपने आपको देखा तो हमें शर्म नहीं आएगी। अपने आपको देखोगे शर्म नहीं आएगी फिर? जब पास कोई बैठा हो तो बहुत। चलें जैसे आप चाहे बनाएं, आप अपना व्लॉग बनाएं जिस तरह चाहेंगे। कल से मोबाइल आपका आपको दूंगा कल मैं, आपने बस वीडियो बना के आना है। आपका कैसा चल रहा है यूट्यूब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। ले जी, ऊपर बारिश वाला मौसम हो गया, चारपाई हमारी बिछ गई हैं, अब्दुल्ला जो है बिछा रहा है चारपाई, तो अभी देखते हैं बारिश आती है कि नहीं। इस तरफ को तो बहुत तेज़ बिजली जो है कड़कड़ी है, बिजली हमारी आ चुकी है। वो सामने ताया जान के घर का बल्ब जो है वो बल गया, ये इस साइड को जो है वो बारिश आना शुरू होगी मेरे ख्याल में। बिजली जो है वो चमक रही है, ये देखें तो वाह, डर लगता है जब बिजली चमकती है। ये जी बारिश आ गई है, बिस्तरा मैंने अपना अंदर रख दिया, और ये हसनैन भाई का बिस्तरा, ये भी अंदर रखते हैं। बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है, ये बिजली जो है वो कड़की है जी, चलते हैं अभी, डर लग रहा है। देखिए जी अभी सुबह सुबह धूप देखें कितनी तेज़ निकल गई है, रात को बिल्कुल हल्की सी बारिश हो के फिर बंद हो गई थी। हम तो अंदर जो लेट गए थे, पहले सोए हुए थे अंदर, तो बारिश नहीं हुई, बहुत तेज़ बारिश आई थी लेकिन उसी टाइम जो बंद हो गई। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 8, तो वीडियो मैंने अपलोड करनी है, तो एडिट मैं हसनैन भाई को कहूँगा कि वो एडिट कर देंगे मुझे। तो खैर अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों आँखें जो वो क्लियर हैं, अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी मैं दोनों आँखों के ज़रिए। तो आंखें हैं तो सब कुछ है, अगर आंखें नहीं तो आंखें बहुत बड़ी नेमत है, अगर आंखें ना हो तो कुछ भी नज़र नहीं आता, बंदा किसी काम का नहीं। तो खैर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा।